सभी को नमस्कार। आज लेक्चर नंबर 5 पर हमारी बात होगी, जिसमें बेटा हम लोग क्या पढ़ेंगे, दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन। क्या पढ़ेंगे? आइडियल गैस इक्वेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगाड्रो लॉ को कंबाइन करने पर जो हमें इक्वेशन मिलती है, दैट इज नोन एज आइडियल गैस इक्वेशन। फिर से बात को समझें, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और अवोगाड्रो लॉ को अगर कंबाइन करते हैं तो जो हमें रिलेशनशिप मिलता है, दैट इज नोन एज आइडियल गैस इक्वेशन। चलिए बात करते हैं हम लोग। तो हमने क्या बताया, जरा आप बात को समझें, पहले हम क्या सब बताएंगे, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ क्या होता है बेटा, दैट इज वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन पी के। लेकिन ये कब होगा, एट कॉन्स्टेंट क्या, टी, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर ये बात होगी। दूसरी बात क्या है, अकॉर्डिंग टू किसके, चार्ल्स के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स ये क्या होता है, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। लेकिन यहां पर क्या होगा, एट कॉन्स्टेंट क्या होगा बेटा, प्रेशर होगा। अगली बात क्या है, अकॉर्डिंग टू अवोगाड्रो, अगर अवोगाड्रो के अकॉर्डिंग देखें हम, तो यहां पर वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, एन, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। और ये क्या होगा, एट कॉन्स्टेंट यहां पर क्या होगा, पी एंड टी, कॉन्स्टेंट पी एंड टी। आप क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 3 है, अगर तीनों को कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करने पर हमें मिलेगा वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन टी अपॉन कितना होगा, पी होगा, एन टी अपॉन पी के। अब आप क्या करते हैं, पी को इधर शिफ्ट करें, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, पी वी इक्वल टू क्या होगा बेटा, दैट इज एन आर टी। क्या मिलेगा, पी वी इक्वल टू एन आर टी, जहां पर आपका आर क्या कहलाता है, गैस कॉन्स्टेंट कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, दैट इज यूनिवर्सल, क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम बात करेंगे आपसे यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, अगर आपको फाइंड आउट करना है तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, ये हो जाएगा आर इक्वल टू कितना, आर इक्वल टू कितना होगा बेटा, दैट इज पी वी अपॉन एन टी, पी वी अपॉन एन टी। अब अगर हम बात करें कि आर को और कैसे लिख सकते हैं, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो पी बराबर क्या होता है, प्रेशर होता है, पी बराबर क्या होता है, प्रेशर। और प्रेशर इक्वल टू कितना होता है, दैट इज एफ अपॉन ए, फोर्स अपॉन एरिया। फिर इसके बाद क्या होता है, वॉल्यूम को हम वी ही लिखेंगे और क्या होगा, एन अपान टी। अब आगे समझें आप, फोर्स अपान क्या लिखेंगे, ये जो आपका ए है, एरिया है, इसको हम लिख सकते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब एल इंटू एल। तो यहां पर कितना हो जाएगा, दैट इज कितना, एल इंटू एल, और ये आपका वॉल्यूम की जगह एल इंटू एल इंटू एल, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्या होगा, एन टू एन टी, फिर एल से एल कैंसिल आउट, ये क्या लिखेंगे, एफ इंटू एल अपान एन इंटू टी के, अपान एन इंटू टी के। तो एफ और एल जो दिया हुआ है, ये क्या दिया है, दैट इज द लेंथ, और ये क्या है, दैट इज द फोर्स। तो होता क्या है कि पर यूनिट डिस्टेंस पर, मतलब क्या हुआ, 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर लेंथ पर जो आप फोर्स अप्लाई करके उसकी पोजीशन को बदल देते हो, इसका मतलब कुछ ना कुछ वहां पर क्या होता है, वर्क होता है। तो एफ इंटू एल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू वर्क अपॉन क्या लिखेंगे, दैट इज एन इंटू टी। ऐसे हम आर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर से बात को समझें, हमने क्या किया, ये जो हमारे पास इक्वेशंस थे, कौन कौन सा, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और अवोगाड्रो लॉ, सबको कंबाइन करते हैं तो हमें जो इक्वेशन मिलता है, दैट इज नोन एज पी वी इक्वल टू एन आर टी, जहां पर आर क्या होता है बेटा, दैट इज यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट। आर को हम और क्या लिख सकते हैं, आर बराबर हो सकता है, जरा समझे आप यहाँ से, तो पी वी अपान क्या लिखेंगे, एन टी लिखेंगे, पी का मतलब फोर्स अपॉन एरिया, पर यूनिट एरिया में जितना फोर्स लगे, इंटू वी के। अब होता है क्या है, एरिया को लंबाई गुणा चौड़ाई, और ये वॉल्यूम क्या करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तीनों, लेकिन तीनों क्या है, डिस्टेंस है। तो ऐसी कंडीशन में एल से एल कैंसिल आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ इंटू एल और अपॉन एन टी, तो फोर्स इंटू क्या, डिस्प्लेसमेंट, दैट इज नोन एज वर्क, ठीक है। इसको नोट करें, फिर आगे आपसे हम बात करना शुरू करते हैं। चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे आपसे हम बात करते हैं कि ये जो आर की वैल्यू रखते हैं, गैस कॉन्स्टेंट की वैल्यू रखते हैं, वो कौन कौन सी होती है, थोड़ा इसे हमें समझना है, ठीक
क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में जब कभी भी आप कैलकुलेशन करोगे तो ये बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो हमने क्या क्या बताया, अब हम बात करेंगे किससे, आर की वैल्यू पर। क्या बात करेंगे, आर की वैल्यू पर। अगर आपसे हम आर, जो कि क्या है, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल क्या बेटा, गैस कांस्टेंट, इसकी क्या क्या वैल्यूज होती हैं, जरा इस बात को आप समझें। पहली चीज तो ये होता है, आर की वैल्यू क्या होती है, 8.314। लेकिन अगर आपका प्रेशर दिया हो न्यूटन पर मीटर में और वॉल्यूम किस में दिया हो, मीटर क्यूब में, तो ऐसी कंडीशन में आर की वैल्यू रखते हैं आप 8.314। ठीक है, और या क्या हो सकता है, पास्कल के भी हो सकता है, क्योंकि 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, दैट इज 0.0821। लेकिन क्या हो, इफ प्रेशर किस में हो, एटमॉस्फियर में हो, और वॉल्यूम किस में हो बेटा, दैट इज इन लीटर, किस में हो, लीटर में हो। और क्या बातें हैं, और बातें ये हैं, 0.083 हो जाएगा इफ प्रेशर दिया हो किसमें, बार में दिया हो, किसमें दिया बेटा, बार में दिया हो, और वॉल्यूम आपका जो दिया हो, क्या दिया हो, वॉल्यूम दैट इज डेसीमीटर क्यूब में दिया हो। तो हम जानते हैं हम प्रेशर को डिफरेंट डिफरेंट यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि आपका क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एसआई यूनिट है प्रेशर की, एटमॉस्फियर और क्या है, बार, वॉल्यूम क्या है, मीटर क्यूब, फिर क्या है, लीटर, फिर क्या है, डेसीमीटर क्यूब। तो अलग अलग यूनिट का यूज करेंगे तो हमें जो आर की वैल्यू मिलती है वो भी क्या मिलती है, डिफरेंट डिफरेंट मिला करती है। तो हमें ये बात का ध्यान रखते हुए चलना है, क्योंकि ये जो है आपका जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहां बहुत ही जरूरी होता है कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसको नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे आपसे बात करेंगे हम, अगली कंडीशन जरा आप समझें क्या होगा, अगर इफ V1 वॉल्यूम इज एट T1 टेम्परेचर एंड P1 प्रेशर एंड V2 वॉल्यूम इज एट T2 टेम्परेचर एंड P2 प्रेशर, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग लिख सकते हैं P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन क्या हो जाएगा, T2। दैट इज द डिफरेंट कंडीशन, ये जो होती है डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस पर आपको प्रेशर वॉल्यूम या टेम्परेचर फाइंड आउट करना होगा। अब एक बात और समझेंगे हम, वो क्या है, दो कंडीशंस होती है आपके सामने, एक होता है NTP और एक होता है क्या बेटा, STP। NTP पर अगर आप टेम्परेचर लेते हो, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस, दैट इज इक्वल टू 0+273 केल्विन। जो आप प्रेशर लेते हो, पी लेते हो, दैट इज 1 एटमॉस्फियर लेते हो, या तो क्या लेते हो, 760, क्या लेते हो, 760 mm ऑफ Hg लेते हो। ठीक है, और फिर क्या बातें हैं, एसटीपी पर अगर आप बात करें, एसटीपी पर, तो एसटीपी पर क्या होगा, इसकी भी दो कंडीशंस होती है, ये कंडीशंस आपको दी जाएंगी। अगर कंडीशन है टेम्परेचर आप क्या लेते हैं, दैट इज 273 केल्विन, और अगर आप क्या लेते हैं, अगर आप लेते हैं प्रेशर, प्रेशर कितना है, दैट इज 1 एटमॉस्फियर, तो जो आपको वॉल्यूम मिलता है दैट इज 22.4 लीटर। लेकिन अगर आप टेम्परेचर 273 लेते हैं लेकिन प्रेशर लेते हैं किसमें, बार में लेते हैं, कितना लेते हैं, बार में लेते हैं, तो जो आपको वॉल्यूम मिलता है दैट इज 22.7 लीटर होता है, और यहीं पर ये वॉल्यूम कितना होता है, दैट इज 22.4 लीटर होता है। फिर से बात को समझने का कोशिश करें, अगर आपको कभी भी कहा जाए एनटीपी पर बताइए, या कभी कहा जाए एसटीपी पर बताइए, जब एनटीपी पर कहा जाएगा तो टेम्परेचर कितना रखेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273, और अगर प्रेशर है तो कितना रखेंगे, 1 एटमॉस्फियर रखेंगे। ठीक है, ये बराबर होता है इसके। एसटीपी की दो कंडीशन है, अगर आपसे नहीं बोला जाता
तो आप कितना रखेंगे, 22.4 लीटर। लेकिन कहा जाता है प्रेशर अगर बार में है, प्रेशर अगर आपका बार में है तो कितना रखेंगे, 22.7 रखेंगे। इस बात का हमें ध्यान रखना है। और 1 एटमॉस्फियर बराबर होता है 1.013 बार के होता है, और 1 बार इज इक्वल टू 0.97 क्या होता है, एटमॉस्फियर के होता है। और ये जो है ये दोनों क्या होते हैं, पहले कहा जाता है था प्रीवियसली, लेकिन अब जो रियल डिफिनेशन दी जाती है एसटीपी पर वो क्या लेते हैं, 1 बार पे लेते हैं, मतलब प्रेशर बार में लिया जाता। ठीक है, तो इसको नोट करें, फिर आगे बात करते हैं हम। ठीक है, चलिए, तो हमने क्या बताया, अगर एनटीपी की कंडीशन है, जनरली एनटीपी एसटीपी को हम कितना सिमिलर मान लेते हैं, 22.4 लीटर 22.4 लीटर। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि प्रेशर बार में दिया गया है एसटीपी पर, तो आप 22.7 लीटर रखेंगे, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। आगे आपसे हम बात करेंगे डेंसिटी के बारे में, कि डेंसिटी पर क्या फर्क पड़ता है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू, आप जानते हो कि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपान वॉल्यूम होता है। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, मास अपान वॉल्यूम होता है। इसी को आगे चलते हुए हम बात करते हैं। तो अगर आपसे कहा जाए डेंसिटी, अगर आपको डेंसिटी फाइंड आउट करना है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करते हैं, या तो क्वेश्चन को ऐसे पूछेंगे, डेंसिटी एंड मोलर मास में रिलेशनशिप बताना। ठीक है, क्या बताना है, रिलेशनशिप बिटवीन डेंसिटी एंड मोलर मास। आपको फॉर्मूला अभी हमने बताया है क्या, पीवी इक्वल टू कितना होता है एनआरटी, पीवी इक्वल टू कितना होता है एनआरटी। अब यहां पर होगा क्या, एन क्या है नंबर ऑफ मोल्स, और मोल बराबर क्या होता है, मास अपान मोलर मास। मोल इक्वल टू कितना होता है, मास अपान मोलर मास। अब क्या लिखेंगे, पी इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपके कितना, पीवी, ये हो जाएगा डब्ल्यू अपॉन एम, कितना होगा आर टी। अब आप एम को इधर ले जाएं, डब्ल्यू को इधर लाएं, वी को इधर लाएं, तो पी एम इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, डब्ल्यू अपॉन वी, और कितना होगा आर टी के, ये मास, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम बराबर किसके होगा, डेंसिटी के। तो पी एम इज इक्वल टू कितना होगा, दैट इज डी आर टी। आप लिख सकते हो क्या, क्या लिख सकते हो, डी इज इक्वल टू पी एम अपॉन क्या लिखेंगे बेटा, आर टी। क्या लिखेंगे, डी इज इक्वल टू डेंसिटी इज इक्वल टू पी एम अपॉन आर टी। तो पी क्या है, प्रेशर है, पी क्या है, प्रेशर है, आर क्या है, आर क्या है आपका गैस कांस्टेंट है, एम क्या दिया मोलर मास, और टी क्या दिया टेम्परेचर। फिर से इस बात को थोड़ा यहां पर हम मेंशन करेंगे ताकि आपको क्लियर रहे, अगर आर की वैल्यू 8.314 दिया है, तो इसका मतलब प्रेशर किस में दिया है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, और वॉल्यूम किस में दिया है, मीटर क्यूब में। लेकिन अगर दिया है वैल्यू 0.0 0.0 लिख दें आप कितना, 0.0821, तो प्रेशर किस में दिया है, दैट इज इन एटमॉस्फियर, और वॉल्यूम किस में दिया है, दैट इज इन लीटर। फिर अगली कंडीशन 0.083 दिया है, तो प्रेशर किस में है बेटा, दैट इज इन बार, और वॉल्यूम किस में हो जाएगा, 80 मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये बातें हमें ध्यान रखते हुए चलना। अगर प्रेशर आपका किस में दे दिया जाए, बार में, तो आप वैल्यू कितना रखोगे, 0.083 रखोगे। अगर प्रेशर किस में दिया है, एटमॉस्फियर में दिया है, प्रेशर अगर एटमॉस्फियर में दिया तो कितना रखेंगे, 0.0821 रखेंगे आर की वैल्यू। और अगर न्यूटन पर मीटर में दिया है, या कहीं इसको अगर क्या कह दें, पास्कल भी कह सकते हैं, क्योंकि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, पास्कल के। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, डेंसिटी। ठीक है, तो हमने क्या किया, पीवी इक्वल टू क्या है, एनआरटी है, एन बराबर क्या, नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स बराबर मास अपॉन क्या होगा, मोलर मास। आप क्या करते हैं, एन की जगह वैल्यू रखे हैं डब्ल्यू अपॉन एम के। ठीक है, आप क्या करते हैं, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम के। अब ये वॉल्यूम को आप इधर शिफ्ट करें और मास को इधर ले जाते हैं, तो पी एम अपॉन क्या हो जाएगा, डी आर टी, और डेंसिटी इज इक्वल टू पी एम अपॉन आर टी। अब एक बात समझे, होता है क्या है, मोलर मास फिक्स होता है गैस का, और क्या आर की वैल्यू फिक्स होती है, तो जो डेंसिटी होती है मेनली डिपेंड करती है किस पे, प्रेशर पे और टेम्परेचर पे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे गैस का,
जैसे जैसे गैस का प्रेशर बढ़ाएंगे डेंसिटी क्या होगी, गैस की बढ़ेगी, लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस की डेंसिटी कम होगी। अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डेंसिटी कम होगी। अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे डेंसिटी बढ़ेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डेंसिटी घटेगी। इस बात का हमें ध्यान रखना, ठीक है? तो इसको नोट करें, फिर आगे चलते हैं कुछ प्रॉब्लम के साथ, ठीक है? चलिए, अब इसके बाद आपसे हम बात करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स इसकी, जो कि इससे रिलेटेड है, और उसको करने पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका और स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन पर आपसे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, हाँ, पहला क्वेश्चन दिया है, जरा देखें। कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ, क्वेश्चन दिया है आपका क्या है, कैलकुलेट द, क्या दिया है, टेम्परेचर ऑफ फोर मोल्स ऑफ गैस ऑक्यूपाइंग 5 डेसीमीटर क्यूब एट 3.3 बार, दैट इज द क्वेश्चन, ठीक है? क्वेश्चन में कहा गया है आप टेम्परेचर बताइए, 4 मोल आपके पास गैस है जो ऑक्यूपाई करती है 5 डेसीमीटर क्यूब एट 3.3 बार प्रेशर। चलिए, तो ये क्वेश्चन को अगर हमें करना है तो हम क्या करते हैं, जरा बात को समझें। फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्या पीवी इक्वल टू क्या एनआरटी, क्या लगाएंगे, पीवी इक्वल टू एनआरटी। अब यहां पर हमें क्या चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, तो टेम्परेचर चाहिए, तो टेम्परेचर बराबर क्या होगा, पीवी अपॉन क्या होगा, एनआरटी होगा, पीवी अपॉन एनआरटी। अब यहां पर P जो दिया हुआ है, प्रेशर, प्रेशर किस में दिया है, प्रेशर दिया बार में, वॉल्यूम किस में दिया, डेसीमीटर क्यूब में। अब आप देखें कहां पर है ये, अच्छा ये बार है, ये प्रेशर, चलिए हमें ये वैल्यू रखनी है, तो R की वैल्यू पता चल गई, 0.08 रखनी है, तो P कितना रखेंगे, दैट इज प्रेशर कितना है, 3.32, ठीक है, और वॉल्यूम कितना है, दैट इज द 5 डेसीमीटर क्यूब। एन की वैल्यू कितना दिया है, 4 मोल दिया है, और फिर इसके बाद आर की वैल्यू जो दिया है 0.083, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर ये कितना हो जाएगा, जरा देखें, ये हो जाएगा 5 × 2 = 10, 3 × 5 = 15, 1 = 16, 3 × 5 = 16, ठीक है? तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, इसको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, और ये मल्टीप्लाई करने पर हमें ओवरऑल वैल्यू कितनी मिलेगी, दैट इज द 50 केल्विन मिलेगी, कितना मिलेगा, 50 केल्विन। अगर आप डिग्री सेल्सियस में निकालना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, -273 से, 273 से आप माइनस कर देंगे, तो देखें जरा केल्विन को डिग्री सेल्सियस में वापस लाना है, ठीक है? तो क्या करेंगे, देखिए 273 - 50 हो जाएगा 3, इधर कितना 2, और ये हो जाएगा 2, तो आंसर जो होगा 50 - 273, क्योंकि ये आपका केल्विन में दिया है, और हमें किस में रखना, डिग्री सेल्सियस में, तो ऐसी कंडीशन में कितना हो जाएगा, दैट बिकम द -223, किस में आ जाएगा बेटा, डिग्री सेल्सियस में। जब आप कैलकुलेशन में लाते हो, जब कैलकुलेशन करते हो तो क्या करते हो, 273 ऐड करते हैं डिग्री सेल्सियस में, ताकि वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाए, बाद में जब आपका आंसर पूरा हो जाए, जो केल्विन में आता है उसको आप वापस डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है? चलिए, एक नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपसे हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं वो क्या बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है 35 ml ऑफ ऑक्सीजन वर कलेक्टेड कलेक्ट किया जाता है एट 6 डिग्री सेल्सियस एंड 758 mm Hg लिख दें आप, क्या हो जाएगा, प्रेशर, और फिर इसके बाद कैलकुलेट वॉल्यूम एट NTP, ठीक है? दिस इज योर क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व करें, नहीं तो फिर हम बताना शुरू करते हैं, ठीक है? चलिए, तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 35 ml ऑक्सीजन का वॉल्यूम है,
इसको 6 डिग्री सेल्सियस पर कलेक्ट करते हैं, 785 mm Hg प्रेशर, और आपको बताना किस पे, NTP पर बताना है। तो आप क्या करते हैं, पहली वैल्यू जो दिया है उसको आप P1 V1 इस तरह से मान के चलते हैं। तो P1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितने पर है, 758 mm Hg, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या दिया है, P1 V1 कितना दिया है, दैट इज 35 ml दिया है। और फिर इसके बाद T1 जो दिया है 6 डिग्री सेल्सियस, लेकिन इसको आप क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, किसमें, 273 आप ऐड कर देंगे। जब ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, दैट बिकम 279 केल्विन, 279 केल्विन। अगर आपसे बात कही जा रही है NTP पर, किस पर, NTP पर, अगर NTP पर बात कही जा रही है, तो ऐसी कंडीशन में आप प्रेशर कितना मान के चलते हैं, प्रेशर P2 कितना, 760 mm Hg। इस बात का हमें ध्यान रखना है, अगर NTP जैसे ही बोलेगा हम प्रेशर कितना रखेंगे, 760 mm Hg, और T2 कितना रखेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस, जिसमें कि 273 ऐड करते हैं। 273 क्या करते हैं बेटा, ऐड करते हैं, फिर क्या बन जाएगा, दैट बिकम 273 केल्विन। अब फिर इसके बाद आता है आपका क्या, दैट इज V2 फाइंड आउट करना, क्या फाइंड आउट करना है, V2। तो आप क्या करते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन क्या लगाएंगे, T2 लगाएंगे, ठीक है। अब आपको चाहिए क्या, V2 चाहिए, तो V2 चाहिए, तो V2 इज इक्वल टू हो जाएगा P1 V1 T1 इंटू T2 अपॉन क्या लिखेंगे, P2 अपॉन P2। अब जरा आप वैल्यू रखें, अगर आप वैल्यू रखेंगे तो P1 कितना होगा, 785, ठीक है। वॉल्यूम कितना है, दैट इज 35 ml, ओके। और क्या दिया, T2 कितना दिया है, 273 केल्विन। और फिर इसके बाद T1 कितना दिया है, दैट इज 279 केल्विन। फिर इसके बाद आपका जो दिया है क्या, P2 कितना है, 760 mm, ठीक है, 760 दिया हुआ है। अगर इसको पूरा आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आपको आंसर मिल जाएगा 34.16, क्या हो जाएगा बेटा, ml, ठीक है। इसको सॉल्व करिएगा, 34.16 ml, ठीक है, नोट करें। फिर आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और करेंगे ताकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और सही हो। चलिए अगला क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है, दैट इज रिलेटेड टू द डेंसिटी। अगला क्वेश्चन जो है वो किससे रिलेटेड है, डेंसिटी से, जो अभी हमने फॉर्मूला डेराइव किया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो दिया है उस पर बात करते हैं। क्वेश्चन दिया है डेंसिटी ऑफ अ गैस, क्वेश्चन है डेंसिटी ऑफ अ गैस कितना दिया है, 2B 5.46 ग्राम, और ये हो जाएगा डेसी मीटर कितना, क्यूब, एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड एट 2 bar क्या होगा, प्रेशर होगा। व्हाट विल बी इट्स डेंसिटी, व्हाट विल बी इट्स डेंसिटी एट STP, STP पर क्या बताना, डेंसिटी बताना। तो अब करते हैं, चलिए क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके करें, बाकी फिर हम बताएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में दिया गया है क्या, दिया डेंसिटी दिया है, एक डेंसिटी दी गई है, दूसरी डेंसिटी आपको फाइंड आउट करना है। तो D1 बराबर कितना है, दैट इज कितना, 546, ठीक है। आपको D2 नहीं पता, अब अभी आपको हमने फार्मूला बताया है, और क्या चीजें दी हैं, T1 दिया है कितना, 227 डिग्री सेल्सियस, आप क्या करें, 273 इसमें जोड़ें कितना हो जाएगा, 300 केल्विन हो जाएगा, ठीक है। और क्या दिया, प्रेशर दिया है, प्रेशर कितना दिया है, P1 दिया है, दैट इज 2 bar। अब इसने कहा है STP पर बताइए, किस पर, STP पर, तो STP पर कितना टेम्परेचर लेते हैं, दैट इज 0 + 273, 0 + 273 कितना हो जाएगा, दैट बिकम 273 केल्विन। अब P2 कितना हो जाएगा बेटा, दैट इज 1 bar, कितना हो जाएगा, 1 bar। आपको फॉर्मूला हमने सिखाया है, डेंसिटी इज इक्वल टू पीएम अपान क्या है, आरटी, ठीक है, पीएम अपान आरटी। तो यहां पर अगर हम लिखें तो कितना हो जाएगा डी, अब देखिए यहां पर क्या क्या कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है और आर कांस्टेंट है,
ना तो मोलर मास बदल रहा ना तो आर, तो क्या हो जाएगा, डी वन इक्वल टू क्या लिखेंगे बताएं, टी वन अपान टी वन, और डी टू इक्वल टू पी टू अपान क्या लिखेंगे, टी टू, इसको लिखेंगे डी वन अपान डी टू इक्वल टू पी वन अपान पी टू, पी वन अपान टी टू, और फिर क्या हो जाएगा टी टू अपान पी वन, सॉरी क्या लिखेंगे पी टू। अब आप क्या करें, डी वन की वैल्यू 5.46 अपान डी टू आपको बताना है, पी वन कितना दिया है 2 दिया है, टी टू कितना दिया है 273 दिया है, ठीक है, टी वन कितना दिया है दैट इज 300, और पी टू कितना दिया है दैट इज 1 bar, कितना दिया है 1 bar। अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो कैलकुलेट करने पर आ जाए कितना, दैट इज 3 g/dm³, ठीक है, कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा 3 g/dm³ आएगा। इसको देखें ये कितना हो जाएगा आपका, 2 से अगर डिवाइड करें इधर तो हो जाएगा 2.73 जाएगा, ठीक है, और इसको जब करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, ठीक है, और फिर इधर क्या कर देंगे 3 आ जाएगा, तो आपको मिलेगा 3 g/dm³। तो आपको इसको करें, जहां पर डाउट हो फिर आप बताएंगे, और आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, ओके, थैंक यू।